एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एचपी एग्जाम्स विद जेरी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जो IT 817 और 556 केस अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ये जो 817 वर्षीय 556 का केस है, इसकी जो सुनवाई है कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, जो JYT 817 वाले कैंडिडेट फंसे हुए हैं, क्या इनको राहत मिल सकती है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक न्यूज़ आ रही है कि अभी जो हिमाचल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कोई भी तैयारी नहीं की गई है। सरकारी जो वकील है वो कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को पढ़ने के लिए और ज़्यादा टाइम मांग सकता है। तो दोस्तों, ये जो हमें न्यूज़ मिली है ये हिमाचल दस्तक की रिपोर्ट की तरफ से मिली है। तो यहाँ पर आप ये जो पूरा वीडियो है वो देख सकते हैं। अभी मैं आपको वो वीडियो दिखाऊँगा, आप उस वीडियो को पूरा देखिए और आपके जो भी विचार हैं आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों, थैंक यू। अभी आप उस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हो। रीकास्ट मेरिट के आधार पर सरकार मेरिट लिस्ट जारी करती है तो उनकी नौकरियों पर खतरा हो सकता है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था राज्य सरकार को, CS के नाम से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और इसमें हमीरपुर चयन बोर्ड को भी पार्टी बनाया गया था और उसमें सरकार से जवाब मांगा गया था कि आखिर जो है वो इस मामले पर राज्य सरकार का अपना क्या स्टैंड है और राज्य सरकार इस मामले पर क्या कर रही है। तो अब जो है 28 फरवरी कल बड़ा दिन यहां पर JYT मामले पर होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इसमें इस पर नजर टिकी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले पर जब हमने सरकार से पूछा और हमीरपुर चयन बोर्ड से पूछा कि उनकी क्या तैयारी है, क्या सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर करने के लिए वो तैयार है और सरकार की ओर से जो वकील सरकारी वकील है उनकी तरफ से क्या एफिडेविट शपथ पत्र कल दायर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं। और जो अभी तक हमें सरकार के अधिकारियों से सूचना मिली, सरकार से सूचना मिली, तो उसके मुताबिक अभी तक भी जो है वो एफिडेविट यहाँ पर सरकार की ओर से तैयार ही नहीं हुआ है। सरकारी वकील द्वारा जो एक यहाँ पर माफ कीजिएगा, हमीरपुर चयन बोर्ड की ओर से जो शपथ पत्र दायर करना था पहले वो सरकार को भेज दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ एक यहाँ पर अभी भी सरकार को लगा कि अभी भी इस केस को सॉलिड नहीं बनाया जा सका है और शपथ पत्र में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी भी इसमें स्टडी करने की जरूरत है, लॉ से ओपिनियन लेने की जरूरत है। तो इसलिए जो है वो फिलहाल कल सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार को शपथ पत्र दायर करना था वो शपथ पत्र तैयार नहीं हो पाया है। इसलिए कल सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार का सरकारी वकील जरूर जो है वो अपीयर यहां पर होंगे, लेकिन इस दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट से समय मांगेंगे एफिडेविट दायर करने के लिए, अतिरिक्त समय जो है वो मांगा जाएगा। और इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट कोड 817 की जो भर्ती है, 556 की जो भर्ती का प्रोसेस है, वो अभी और लटक सकता है और इसके लटकने के आसार जो है वो ज्यादा इसलिए बन चुके हैं क्योंकि सरकार की ओर से जो एफिडेविट दायर करना था वो तैयार नहीं हो पाया है और कल सुप्रीम कोर्ट से इस एफिडेविट को दायर करने के लिए और ज्यादा समय जो है वो मांगा जाएगा। और हमें इसके लिए जो है वो एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा की ओर से जो है वो उन्हें अशोक शर्मा को जो है वो ये पूरा मैटर दिया गया है और उनकी अध्यक्षता में ही जो है वो इस शपथ पत्र को दायर किया जाएगा। फिलहाल जो है वो अब इस मामले को हम ये कह सकते हैं कि रिप्लाई कल सरकार की ओर से नहीं जाएगा, केवल यहाँ पर इस मामले को लेकर समय मांगा जाएगा एफिडेविट को लेकर। तो इसलिए हम यहाँ पर, क्योंकि 817 पोस्ट कोड की अगर हम बात करें, यहाँ पर छात्रों की अगर हम बात करें, उनके दर्द को अगर हम समझे तो उनका दर्द इसलिए जायज है क्योंकि वो सरकार से राहत मांग रहे हैं, सरकार से कह रहे कि आखिर सरकार ने इस भर्ती को इतना ज्यादा क्यों उलझाया और इतना ज्यादा उलझाते उलझाते जो है वो आज उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि छात्रों ने सोशल मीडिया का जो है वो सहारा लेना शुरू कर दिया है क्योंकि
यहाँ पर इन 817 अभ्यर्थियों की बात करें, 556 पोस्ट कोड की बात करें, तो उनका कहना है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है, उनके दर्द को यहाँ पर जो है वो नहीं सुना जा रहा है। वो चाहे अगर सरकार के दर पर भी चले जाए, लेकिन बावजूद जो है वो उन्हें दरकिनार किया जाता है, उन्हें सही गाइड नहीं किया जाता। वो अपडेट लेने की अगर कोशिश करते हैं तो उन्हें इस मामले पर अपडेट जो है वो नहीं दिया जाता। तो इसमें जो है हरासमेंट यहाँ पर एक तरफ से छात्रों की हो रही है, बेरोजगार युवाओं की हो रही है, और यहाँ पर जो है उनकी सीधी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अब जुड़ी है कि आखिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट उनकी भर्तियों को लेकर क्या उन्हें राहत देते हैं। तो कुल मिलाकर जो है सरकार से JIIT के छात्र हो या फिर JBT के अभ्यर्थी हो, तमाम सभी बेरोजगार युवाओं का भरोसा उठता जा रहा है।